हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और पेंडल मीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 28 सितंबर 2020। एंड आई होप आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर ये करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ सकते हैं और साथ ही आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है। सो द फर्स्ट न्यूज इज हिस्टोरियन राणा सफवी कन्फर्ड यामीन हजारिका अवार्ड। इतिहासकार लेखक राणा सफवी को यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्होंने बहुत सारी जो बुक्स हैं वो इंडिया के कल्चर, हिस्ट्री और मॉन्यूमेंट्स पर पब्लिश की है। उनको ये जो अवार्ड है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिंक्रेटिक कल्चर ऑफ इंडिया के लिए दिया गया है। भारत की समकालीन संस्कृति में योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। यामीन हजारिका अवार्ड जो है, ये जो यामीन हजारिका है उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये अवार्ड बनाया गया था और ये हर वर्ष दिया जाता है बाय कलेक्टिव ऑफ वुमेन प्रोफेशनल्स सिंस 2015। ठीक है, 2015 से महिला पेशेवरों के एक सामूहिक द्वारा ये सालाना दिया जाता है। यामीन हजारिका पहली विमेन थी जो नॉर्थ ईस्ट से थी जिन्होंने सेंट्रल पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया था। केंद्रीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पूर्वोत्तर की वो पहली महिला थी। और इस अवार्ड की कुछ विनर्स को हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि इनमें से किस किस को यामीन हजारिका अवार्ड मिला हुआ है, तो एक ऑथर है इंद्रानी राय मेदी, उनको मिला है। एथलीट तायाबुन निशा को मिला है। एक्टर मोलॉय गोस्वामी को मिला है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन एंड सोशल एक्टिविस्ट हसीना खरबी जो है इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राणा सफवी की कुछ फेमस बुक्स हम देख लेते हैं। पहली है फॉरगॉटन सिटीज ऑफ दिल्ली जो कि वेयर स्टोन स्पीक ट्रिलॉजी की दूसरी किताब है। और इनमें एक है वेयर स्टोन स्पीक हिस्टोरिकल ट्रेल्स इन मेहरौली द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली, और एक है शाहजहानाबाद द लिविंग सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली। तो ये जो बुक्स है कुछ फेमस बुक्स है जिनको राणा सफवी ने जो है लिखा है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। हु हैज बीन कॉन्फर्ड द यामीन हजारिका अवार्ड। इसे यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राणा सफवी, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई एंड शशि देशपांडे। तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज राणा सफवी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फेमस प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। तो जो वयोवृद्ध पार्श्व गायक थे एसपी बाला सुब्रमण्यम, उनका 74 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्होंने 40,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं एंड वो भी 16 इंडियन लैंग्वेजेस में। उनको पादम नीला या फिर सिंगिंग मून कहा जाता था उनके फैंस के द्वारा, और भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2001 में और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2011 में। उन्होंने 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी जीते फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर हिज वर्क इन वेरियस लैंग्वेजेस। तो 4 डिफरेंट लैंग्वेज में उन्होंने गाने गाए, उसके लिए उनको 6 नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये एसपी बाला सुब्रमण्यम है। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली एसपी बाला सुब्रमण्यम डाइड ड्यू टू कोविड-19, टू विच प्रोफेशन डिड ही बिलोंग। हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई। वे किस पेशे से थे, आर्किटेक्ट, पॉलिटिशियन, सिंगर एंड क्रिकेटर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, वेरी इजी, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज सिंगर। नेक्स्ट इज नेशनल मेडिकल कमीशन। ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो मेडिकल एजुकेशन का नया रेगुलेटर होगा, वो एग्जिस्टेंस में आ गया है एंड इसने जो एग्जिस्टिंग मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है इसको रिप्लेस किया है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ये नेशनल मेडिकल कमीशन में एक चेयरमैन होंगे, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे और 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। अभी इसके जो चेयरमैन है एनएमसी के, उनमें डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को अपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन प्रेजेंट चेयरमैन है नेशनल मेडिकल कमीशन का, तो डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा है। उनका टेन्योर रहेगा 3 इयर्स का। अब ये जो रेगुलेटर है, मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी। सबसे पहले तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका अप्रूवल करना, उनको असेस करना टाइमली। ठीक है, वो एनएमसी का काम रहेगा।
साथ ही जो MBBS के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम या फिर जो एग्जिट एग्जामिनेशन होते हैं जिसके बाद वो MBBS की डिग्री उनकी पूरी हो जाती है और वो एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हैं, तो नीट और नेक्स्ट करके जो एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जिट एग्जामिनेशन है और नीट जो है MBBS के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो इन दोनों को कंडक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी NMC की रहेगी। साथ ही जो कोर्स फी है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है मेडिकल एजुकेशन की फील्ड में, कि जो कोर्स की फीस है उनको रेगुलेट करना। तो जितने भी कॉलेजेस हैं, स्पेशली जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें फीस को रेगुलेट करना है। 50% तक जो है डिमांड थी कि रिड्यूस करना चाहिए, अब देखते हैं कि वो कितना रेगुलेट किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन विल बी फ्रॉम द स्टेट मेडिकल काउंसिल्स एंड स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटीज। तो नेशनल मेडिकल कमीशन में स्टेट मेडिकल काउंसिल और स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटीज से जो है मेंबर्स रहेंगे। और नेशनल मेडिकल कमीशन का जो मेन पर्पस है वो यही है कि A3Q मेडिकल एजुकेशन में एक्सेस को, अफोर्डेबिलिटी को, अवेलेबिलिटी को और क्वालिटी को जो है बेहतर करना है, ताकि जो हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं भारत में उनकी एडिक्वेसी यानी कि उनकी जो भारत में पर्याप्तता है वो सुनिश्चित की जा सके। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा इसको जो है एसेंट दिया गया था लास्ट ईयर, इस पे उन्होंने साइन कर दिया था। एंड इस एक्ट ने जो प्रीवियसली इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है 1956 का, उसको रिप्लेस किया है। ये एक्ट जो है अब अबॉलिश हो गया है एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स इन मेडिकल एजुकेशन। और इसी एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविजन था कि जो है एक नेशनल मेडिकल कमीशन जो है एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि जो भी पॉलिसीज हैं ठीक है उनको फ्रेम किया जा सके रिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, और साथ साथ जो अदर ऑटोनॉमस बॉडीज हैं रिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया जा सके। ठीक है, तो ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो UPSC की या PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन हैज कम इन टू फोर्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NMC। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आ गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर राम ठाकुर एंड डॉक्टर शशि त्यागी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को एज द चेयरमैन ऑफ NMC अपॉइंट किया गया है फॉर 3 years। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये दिवस जो है हर वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है एंड जो UN जनरल असेंबली है उसने 2013 में एक रेजोल्यूशन पास किया कि 26 सितंबर को परमाणु हथियार के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाएगा, या फिर इसको परमाणु उन्मूलन दिवस भी कहा जाता है। द डे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट द पीपल एंड नेशनल लीडर्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एलिमिनेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो जो परमाणु हथियार है उनको खत्म करने से कितना लाभ होगा, ये सभी में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस एक अपॉर्चुनिटी है। इट ऑल्सो एम्स टू मोबिलाइज इंटरनेशनल एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो भी इंटरनेशनल एफर्ट्स है उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा जिसमें सबका कॉमन गोल ये है कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन फ्री जो है वर्ल्ड होना चाहिए। तो UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि द ओनली श्योर वे टू एलिमिनेट द थ्रेट पोस्ड बाय न्यूक्लियर वेपन्स इज टू एलिमिनेट द वेपन्स themselves। तो परमाणु हथियार से उत्पन्न खतरे को खत्म करने का एकमात्र सुनिश्चित तरीका खुद हथियारों को खत्म करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। When did the UN General Assembly declared International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु हथियार के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा कब की? 2013, 2014, 2015 एंड 2016। So, क्या होगा इसका सही आंसर? गाइज करेक्ट आंसर कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट बॉक्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 2013। नेक्स्ट इज ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। IRDAI आइडेंटिफाइज LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GIC एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस एज डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस। ठीक है, तो
जो IRDAI है उसने 3 इंश्योरेंस कंपनीज को जो है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस आइडेंटिफाई किया है, जिसमें LIC, GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस शामिल है। अब जब उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है एज DSII, तो अब उनका जो है सुपरविजन, जो रेगुलेटरी सुपरविजन है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड IRDA ने उनसे कहा है कि दे इंक्रीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आइडेंटिफाई रिलेवेंट रिस्क एंड प्रमोट साउंड रिस्क मैनेजमेंट कल्चर। ठीक है, और डोमेस्टिकली जो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की जो कैटेगरी है, इसका मतलब ये है कि ये इनका साइज इतना बड़ा होता है, इनकी मार्केट इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी होती है, या फिर इनका डोमेस्टिक और ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस इतना ज्यादा अच्छा होता है कि अगर ये फेल हो जाते हैं तो डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे एक टर्म आपने सुनी होगी, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है, DSIBs जो होते हैं, ठीक है, तो वो बैंक्स भी उस कैटेगरी के होते हैं। उनका साइज इतना बड़ा होता है, उनकी मार्केट इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी होती है उन बैंक्स की, ठीक है। जैसे HDFC को जैसे आइडेंटिफाई किया गया एज सच बैंक, कि अगर वो फेल हो जाते हैं तो इससे जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम है वो उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, वो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसी तरह से इंश्योरेंस के लिए वो इंश्योरेंस टर्म वहां पे आ गए, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। सो दीज आर टू बिग और टू इम्पॉर्टेंट टू फेल। तो इनको कहा जाता है कि ये बहुत ही इतने बड़े या महत्वपूर्ण है कि अगर इनका विफल होना सही नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो इट वॉज फॉर्मड ऑन 1 सितंबर 1956। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। चेयरपर्सन MR कुमार है और इसका स्लोगन है योगेशमम वायामयम, दैट इज योर वेलफेयर इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC, ये 1972 में फॉर्म हुई थी, इसके हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में है। एंड थर्ड वन न्यू इंडिया इंश्योरेंस, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो है 1919 में फॉर्म हुई थी एंड इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। तो LIC, GIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस तीनों के जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। IRDAI की बात करें, इट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज एन ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एक स्वायत्त संस्थान है, एक वैधानिक संस्थान है। इट एम्स टू रेगुलेट एंड प्रमोट द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो भारत में बीमा और पुनः बीमा उद्योग को विनियमित करता है और उनको साथ साथ ही बढ़ावा भी देने का काम जो है IRDAI का है। एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, हैदराबाद में है। और जो करंट चेयरमैन है IRDAI के, वो कौन है, सुभाष चंद्र खुंटिया है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 इंश्योरेंस कंपनीज आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस बाय IRDAI। IRDAI द्वारा निम्नलिखित में से 3 घरेलू बीमा कंपनियों के रूप में पहचाने जाने वाली बीमा कंपनियों में से कौन नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। सो क्या होगा इसका सही आंसर? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी वो कंपनी नहीं है जिसको डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर आइडेंटिफाई किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट वन ऑफ देम। नेक्स्ट इज सुनील सेठी हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो यहाँ पे आप एक्टर सुनील सेठी से कंफ्यूज नहीं होना, ये सुनील सेठी हैं जो डिजाइन और फैशन आइकन है, उनको KVIC के द्वारा जो है एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर 1 ईयर टर्म। और जितने भी रेडीमेड गारमेंट्स के जो लेटेस्ट डिजाइन सेगमेंट है और उसके साथ साथ जो खादी को इंडिया में और बाहर प्रमोट करने के लिए जो भी चीजें होंगी, जो भी एडवाइस होंगी, ये एडवाइस में प्रदान करेंगे KVIC को। एंड उन्होंने मिस रितु बेरी जो फैशन डिजाइनर हैं, जिनका टर्म अभी एक्सपायर हुआ है, उनका स्थान लिया है। इससे पहले उन्होंने NIFT के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तौर पर जो है उन्होंने सर्व किया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज अपॉइंटमेंट से। KVIC की हम बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है, एक वैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1956 में एस्टैब्लिश हुई थी।
एंड ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो केवीआईसी कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है एंड करेंटली इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? खादी और ग्राम उद्योग द्वारा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष मल्होत्रा, संदीप खोसला, सुनील सेठी एंड रोहित बल। तो क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी इजी, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज सुनील सेठी। नेक्स्ट इज आरबीआई हैज लॉन्च्ड टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2020-23। तो आरबीआई ने एक टेक्नोलॉजी विजन जो है साइबर सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, उसके लिए एक विजन लॉन्च किया है। साथ ही साथ उन्होंने एक 5 पिलर स्ट्रेटेजिक अप्रोच जिसका नाम है गार्ड, ये भी उन्होंने सजेस्ट किया है आरबीआई ने। एंड दिस गार्ड विल हेल्प इन डीलिंग विद द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी गार्ड की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले है गवर्नेंस ओवरसाइट यानी शासन प्रणाली प्रबंध। नेक्स्ट इज यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, उपयोगी तकनीकी निवेश, अप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण, रॉबस्ट कोलैबोरेशन, मजबूत सहयोग एंड डेवलपिंग नेसेसरी आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट्स, विकासशील आवश्यक आईटी साइबर सुरक्षा कौशल सेट के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की परिकल्पना। The vision document says that the ultimate responsibility for the information security of UCB lies with the board of directors. तो जो भी board of director है उन्हीं की जिम्मेदारी है कि जो information की security उसको ensure करें urban cooperative banks में। The documents also provides for a forum to share best practices and discuss practical issues and challenges for UCBs. तो इस vision document में एक forum की भी बात की गई है जहां पर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या फिर कोई भी इश्यूज या चैलेंजेस हैं उनको वहां पे डिस्कस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑफसाइट सुपरविजन ऑफ यूसीबी टू मॉनिटर देयर कंप्लायंस विद द साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस एंड इशूइंग ऑफ यूनिफॉर्म साइबर सिक्योरिटी हाइजीन डॉक्यूमेंट फॉर ऑल द कोऑपरेटिव बैंक्स। ये सभी सहकारी बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुपालन और यूनिफॉर्म साइबर सिक्योरिटी हाइजीन दस्तावेज जारी करने के लिए यूसीबी की ऑफसाइट पर्यवेक्षण की स्थापना भी प्रदान करता है। द विजन डॉक्यूमेंट सेज दैट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी मे फॉर्म सेपरेट चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स फोरम फॉर यूसीबी। तो इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी यूसीबी के लिए अलग से एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी फोरम भी बना सकता है। ठीक है, ये टोटली यूसीबी पर डिपेंड करेगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं? जो ये प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज में लोकेटेड होते हैं एंड इनको स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई द्वारा गवर्न किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली आरबीआई हैज लॉन्च्ड गार्ड स्ट्रेटजी एज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर विच ईयर? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन के भाग के रूप में गार्ड रणनीति डैश के लिए शुरू की है 2020-23, 2021-23, 2020-25 and 2021-25। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 2020-23। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडर फेज 2 ऑफ फेम स्कीम गवर्नमेंट सैंक्शंस इलेक्ट्रिक बसेस एंड चार्जिंग स्टेशंस। तो जो फेम स्कीम है गवर्नमेंट की, उसका सेकेंड फेज के अंतर्गत गवर्नमेंट ने 670 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए अप्रूव की है। साथ ही 241 चार्जिंग स्टेशंस जो है वो एमपी, तमिलनाडु, केरला, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए सैंक्शन किए हैं। ठीक है, और इस जो ये स्कीम है फेम स्कीम जहां पर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक बसेस और चार्जिंग स्टेशंस को अप्रूव किया है, इससे इंडिया का जो INDC है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन, जो पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पे इंडिया ने अपना दिया था, उसमें भारत ने कहा था कि जो भी कार्बन एमिशन है और जो फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी को भारत और ज्यादा प्रमोट करेगा। जो भी उसमें गोल्स डिफाइंड है तो उसको अचीव करने में
ये जो है स्टेप मदद करेगा। एंड अगर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके यूज को प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपके अभी सबसे बड़ा समस्या यही है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसीलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि चार्जिंग स्टेशन प्रेजेंट नहीं है हर जगह पर, ठीक है, तो एक रिस्क रहता है। तो यहाँ पर अगर इस तरह की फैसिलिटीज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर वो आ जाता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा, कंपनीज भी जो है वो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है वो भी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा करेंगी। जो फेज टू है फेम स्कीम का, ये 1 अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुआ एंड टोटल इसके लिए जो बजट आउटलेड है दैट इज 10,000 करोड़। फेम स्कीम की हम बात करें तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया वॉज स्टार्टेड। दिस स्कीम इज नेम एज फेम इंडिया एंड इसका जो फेज वन है वो लॉन्च हुआ था 2015 में। एंड ये स्कीम जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंतर्गत जो है चलाई जा रही है स्कीम। एंड दिस फेम स्कीम इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। तो भारत का जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है, योजना है, उसका ये पार्ट है फेम स्कीम। एंड नाम से आपको समझ में आ रहा है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो जो हाइब्रिड या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनको अडॉप्ट किया जाए और उनको जो है मैन्युफैक्चर किया जाए, इसी तरह यही इसका एम है स्कीम का। एंड इसमें जो है गवर्नमेंट जो भी फिस्कल या मॉनिटरी इंसेंटिव प्रोवाइड की जा सकती है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है ताकि प्रमोशन किया जा सके। फेज वन जो है फेम स्कीम का इट एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 से स्टार्ट हुई थी स्कीम एंड फर्स्ट फेज 31 मार्च 2019 में खत्म हो गया। एंड जो सेकेंड फेज है फेम स्कीम का वो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो गया एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2019 to 2022, ठीक है, 2019 से लेकर 2022 तक लागू की जा रही है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेम स्कीम, फेम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट एम्स टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ बोथ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी व्हीकल्स, इसका उद्देश्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार के वाहनों को बढ़ावा देना है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ दिस स्कीम, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस योजना का प्रशासनिक प्राधिकरण है। सो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऊपर के दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट, आप इसको करेक्टली आंसर कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज वन ओनली। स्टेटमेंट टू गलत क्यों है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है स्कीम, दैट इज द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ऑफ दिस स्कीम। नेक्स्ट इज ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, जिमेक्स 2020, ये शुरू हो गई है अरेबियन सी में। ये जिमेक्स एक्सरसाइज का चौथा संस्करण है, इट इज द फोर्थ एडिशन ऑफ जिमेक्स एक्सरसाइज विच हैज स्टार्टेड इन अरेबियन सी, और इसको नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट में कंडक्ट किया जा रहा है कोविड-19 के कारण। इसमें इंडिया के जो वॉरशिप है चेन्नई, तेग, तरकश एंड फ्लीट टैंकर दीपक, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, और जापान से कागा एंड इकाजुकी जो वॉरशिप है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्रिल में। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि इंडिया और ऑस्ट्रेलियन नेवी ने जो है पैसेज एक्सरसाइज या फिर पासिक्स जो है वो इंडियन ओशन में कंडक्ट की है। जिमेक्स की हम बात करें तो इट इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया और जापान, इंडिया और जापान की नेवी के बीच में ये एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और ये बायनली कंडक्ट की जाती है, द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है, यानी कि हर दो वर्ष में एक बार होती है। एंड ये जो सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है जिमेक्स सीरीज ऑफ एक्सरसाइज, ये 2012 से स्टार्ट हुई थी फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, एंड जो लास्ट एडिशन था इससे पहले जो थर्ड एडिशन था वो अक्टूबर 2018 में हुआ था ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम के तट पर यह आयोजित की गई थी अक्टूबर 2018 में। क्वेश्चन देख लेते हैं। जिमेक्स इज अ मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश, जिमेक्स भारत और डैश के बीच में एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रशिया एंड जापान। सो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी दैट इज जापान। नेक्स्ट इज अ फिल्म टू बी मेड ऑन द लाइफ ऑफ फ्रीडम फाइटर प्रीति लता वरेदार।
तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट इट विल बी मेकिंग अ फिल्म ऑन द लाइफ ऑफ फर्स्ट बंगाली वुमेन रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्रीतिलता वदेदार। एंड जो फिल्म का नाम होगा भालो भाषा प्रीतिलता होगा एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन द नोवल बाय सेलिना हुसैन। ठीक है, तो सेलिना हुसैन की एक उपन्यास पर यह फिल्म आधारित होगी। प्रीतिलता वदेदार की हम बात करें तो शी वॉज बॉर्न इन अ विलेज ऑफ चिट्टागोंग इन बांग्लादेश ऑन 5 मई 1911 और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी से उन्होंने बंगाली इंडिपेंडेंस फाइटर्स को ज्वाइन किया जैसे सूर्य सेन और निर्मल सेन एंड उनकी इंटेलिजेंस और एफर्ट्स के कारण जो चिट्टागोंग अपराइजिंग है वो एक सक्सेसफुल इवेंट बन पाया। क्वेश्चन देख लेते हैं। द बांग्लादेश गवर्नमेंट इज मेकिंग अ फिल्म ऑन द लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। बांग्लादेश सरकार किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर फिल्म बना रही है? अशफाक हुसैन, सूर्य सेन, प्रीतिलता वदेदार एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। तो जल्दी से बताइए, वेरी इजी। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज प्रीतिलता वदेदार। नेक्स्ट इज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, एक वर्ल्ड क्लास सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स जो है वो मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश करने वाला है और इसके लिए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक जो है आधारशिला भी रखी है, शिलान्यास किया है इसका सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का, दिव्यांग खेल केंद्र का। एंड इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी रहेंगी दिव्यांगजन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोजेक्ट का वो 170.99 करोड़ है। एंड इससे क्या फायदा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए विकलांग खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। ट्रेनिंग, सिलेक्शन, स्पोर्ट्स एकेडमिक्स एंड रिसर्च मेडिकल, ये सारी ही चीज जो है इसमें इंस्टीट्यूशन का पार्ट होगी और बहुत सारे तरह के यहाँ पे गेम्स की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की हम बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेलफेयर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कौन कौन आता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, देन विडोज, देन ओल्ड एज पीपल, चिल्ड्रन, विमेन एंड जो अदर एक्सप्लॉइटेड पीपल होते हैं। ठीक है, तो जो भी मार्जिनाइज सेक्शंस होते हैं उन सभी के वेलफेयर, सोशल जस्टिस और उनके एम्पावरमेंट के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कार्य करती है। अभी जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो थावरचंद गहलोत है एंड इसके दो डिपार्टमेंट है, एक है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। दिव्यांग खेल केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एंड मुरैना। सो क्या होगा इसका सही आंसर? कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ग्वालियर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है और रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।